हम सबके मध्य विराजमान हमारे ग्वालियर संसदीय क्षेत्र के लोकप्रिय यशस्वी सांसद आदरणीय श्री उदय सिंह होलकर जी, हम सबके आदर के केंद्र बाहुत ही वरिष्ठ समाज सेवी आदरणीय नारायण जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय पूर्व विधायिका बहनी मूर्ति जी, पूर्व मंत्री आदरणीय भारत सिंह जी, कौशल जी, सत्येंद्र जी, हीरानंद जी और इस मौके पर उपस्थित इस क्षेत्र के सभी समादरणीय महानुभाव, आज का दिन मेरे लिए यादगार दिन है। क्योंकि मैं तो आज एक विवाह समारोह में भाग लेने के लिए आया था, तो मैं घबरा आ रहा हूं, इसलिए गहोई समाज का कार्यक्रम छोड़ गया। और फिर राजू भाई ने कहा कि मोहल्ले से निकलकर जा रहे हो बिना चाय पिए, ये भी ठीक नहीं। तो बहुत देर बाद घबरा आना हुआ था, तो मैंने कहा चलो चाय भी पी लेते हैं, लेकिन चाय के नाम पर राजू भाई ने आप सबको भी सूचना दी और आप सब भी इस मौके पर अपना स्नेह प्रकट करने के लिए पधारे, इसके लिए मैं आप सबको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हम सब लोग तो एक दूसरे के पूरक हैं, कभी मुझे मिलना होता है, कभी आपको मिलना होता है, तो मौका लग ही जाता है मिलने का। लेकिन आज इस अवसर पर परम पूज्य साईं जी अपना आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित हुए, यह मेरे लिए निश्चित रूप से बहुत ही प्रसन्नता का विषय है। आप सबने फूलों का हार पहनाया, शॉल पहनाई, नारियल भेंट किया। हम सब जानते हैं कि अगर एक फूल भी होता है तो फूल के पीछे जो भाव होता है, उस भाव का आकलन करना या उसको तौलना, यह मनुष्य की बात नहीं। लेकिन इन सब के साथ साथ पूज्य साईं जी आए और उन्होंने नई रजाई उड़ाकर मुझको आशीर्वाद दिया। जनवरी का महीना है, सर्दी का मौसम है और इस मौसम में वो मेरे लिए उपस्थित हो रहे हैं, तो उनके मन में जो भाव उत्पन्न ईश्वर ने किया होगा, उसके कारण उन्हें लगा कि मौसम की और परिस्थितियों की मार से बचाने के लिए इसको रजाई उड़ाएंगे तो इसका बचाव हो सकेगा। और मैं समझता हूं कि इस रजाई के पीछे जो आशीर्वाद होगा उसका आकलन मैं तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये जरूर मानता हूं कि ये मेरे लिए अमूल्य पूंजी है
और इसको निश्चित रूप से मैं संजो कर रखूंगा और जब भी कोशिश करूंगा इसको और बढ़ाने का प्रयत्न करता रहूंगा। कई बार मैं जब यहां आता हूं तो कोई सड़क की बात करता है, कोई पुल की बात करता है, कोई ट्रांसफार्मर की बात करता है, कोई रेलवे सब स्टेशन की बात करता है, कोई सड़क की बात करता है, हमारे नारायण जी सेवा भारती के सहयोग की बात करते हैं, स्वाभाविक रूप से आप सब लोगों ने मुझे 2014 में चुना था और चुनकर आपकी अपेक्षा थी कि डबरा से भीतरवार का रास्ता आधे घंटे का हो जाए। डबरा के भीतर वाली सड़क बन जाए या मैं सांसद नीति से कुछ काम कर सकूं, तो स्वाभाविक रूप से जो कुछ भी हुआ और जो कुछ अच्छा हुआ, जो कुछ जनता के लिए उस समय किया जा सका, वह निश्चित रूप से मेरे द्वारा किया गया ऐसा नहीं मानना चाहिए। मैं तो कारक था, लेकिन आप सब का स्नेह और आप सब के प्यार में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई थी, ये उसके कारण ही संभव हो सका। आमतौर पर राजनीति में व्यक्ति मैं करता है, लेकिन वस्तुतः मैं नहीं होता, क्योंकि आज कुछ भी होगा या 2003 के बाद कुछ भी हुआ और उसमें मेरे जैसा एक कार्यकर्ता कारण बना, तो ये भारतीय जनता पार्टी का कमाल है। और भारतीय जनता पार्टी ये सब इसलिए कर पाई कि आप सब ने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया। और मैं तो ये मानता हूं कि कोई भी जनप्रतिनिधि विकास का काम करता है तो जनता पे वो एहसान नहीं करता, ये जनप्रतिनिधि की अपनी जिम्मेवारी है। जनता ने वोट देकर सौंपी, जनता ने फूल देकर सौंपी, जनता ने शब्दों में सौंपी। लोग ऐसा मान लेते हैं कि मेरी हैसियत का स्वागत हो रहा है, किसी व्यक्ति की हैसियत का स्वागत नहीं होता, ये उस काम और विचार का ही स्वागत होता है। आप सब लेकिन इतने कम समय में बिना कार्यक्रम के और इस स्वागत सत्कार के कार्यक्रम को आयोजित कर लिए और यहां पर जो इसने आप सबने प्रकट किया है वह निश्चित रूप से मेरे लिए अतुल्य है। राजीव भाई मेरे मित्र भी हैं और बहुत आध्यात्म से भी जुड़े, तो इसलिए मेरे और इनके विचार थोड़े थोड़े मेल खाते ही रहते हैं। लेकिन कई बार मेरी प्रशंसा में अनेक शब्द बोले जाते हैं, तो संचालक जी ने भी बोले, राजीव भाई ने भी बोले, बाकी लोगों ने भी बोले, तो कभी कभी लोगों को लगता होगा कि इतने शब्दों का उपयोग क्यों हो रहा है, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं और मैं अपने आप को जानता भी हूं कि मेरे पास कोई ऐसा गुण नहीं है जिस गुण के कारण इस प्रकार के अच्छे शब्दों का उपयोग हो, लेकिन परमपिता परमात्मा ने मुझे एक गुण ऐसा दिया है कि बाहर कुछ भी लिखे लेकिन अंदर से किसी के बारे में भी गलत मत सोच।
तो अंदर से विपरीत परिस्थितियों में भी अच्छा अच्छा सोचने का अभ्यास करता हूं, कोशिश करता हूं कि अच्छा व्यक्त भी कर सकूं और कोशिश करता हूं कि मेरे द्वारा कुछ अच्छा भी हो सके। तो कोई भी मनुष्य बाहर से वो कैसा भी हो, लेकिन अंदर से अपने आप को अच्छा बना ले तो फिर उसका रास्ता रुकता नहीं। आप सब लोगों ने इस अवसर पर इकट्ठा होकर स्वागत सत्कार करके जो अपना स्नेह प्रकट किया है, मैं इसको संजोकर रखूंगा और मुझे पूरा विश्वास है कि इस प्रकार का स्नेह, इस प्रकार का स्वागत, इस प्रकार के सब ये मनुष्य के लिए आनंद लेने के लिए नहीं होते। इसको मैं बक्स में बंद करके रखूंगा और जब कभी मुसीबत का क्षण आए और मेरा पैर फिसलने की कोशिश करे तो आपका यह विश्वास दीवार बनकर मेरे कदम को रोके। ऐसा ही मानकर मैं चलता हूं। आप सबको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका बहुत बहुत आभार।